अमेरिका में पिछले दो हफ्तों से कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। हर दिन कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन सोमवार को तो हद ही हो गई। जी हां, एक रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को अमेरिका में कोरोना वायरस के 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसने पिछले एक दिन के रिकॉर्ड जो कि 5,91,000 कोरोना मामलों का था उसे तोड़ दिया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अमेरिका अभी कोविड की सुनामी से एक तरीके से लड़ रहा है। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग ने एक नई जानकारी दी है जिसके अनुसार 1,00,000 से अधिक लोग फिलहाल कोविड से संक्रमित हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले 4 महीनों में अस्पताल में भर्ती होने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। आपको बता दें, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमवार को यह ऐलान कर दिया कि फाइजर बायोटेक की बूस्टर वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों को लगाने के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जारी किया गया है। इसके जरिए बच्चों को कोरोना से सुरक्षा मिल सकेगी। पिछले 7 दिनों में अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते प्रसार के बीच औसत हर दिन 3,20,000 नए मामलों को रिपोर्ट किया है। एक तरीके से एक हफ्ते में 21,00,000 से अधिक कोरोना के मामले रिपोर्ट हुए हैं। नवंबर के दौरान अस्पताल में भर्ती होने की दर बिना वैक्सीन लगाए वयस्कों के लिए लगभग 8 गुना अधिक है और 12 से 17 साल के आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए लगभग 10 गुना अधिक। कोरोना वायरस के तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे पहला केस दक्षिण अफ्रीका में नवंबर में पता चला था। वेरिएंट के अधिक म्यूटेशन को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था। अफ्रीका पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के बावजूद ये वेरिएंट यूरोप, एशिया और अमेरिका समेत कई देशों में पहुंच चुका है। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है ओमिक्रॉन वेरिएंट अधिक तेजी से फैलने वाला है, लेकिन इसके लक्षण हल्के हैं। हालांकि इसके बाद भी खतरा लगातार बना हुआ है और लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। अमेरिका में कोविड-19 मामलों में विस्फोटक अंदाज में वृद्धि दर्ज की गई है और इसी दौरान स्कूलों की छुट्टियां तक भी बढ़ा दी गई हैं। आपको बता दें, कुछ ऐसा ही हाल भारत में भी है और भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश भर के कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है।